गोविंदगढ़ कस्बा रहा पूर्ण रूप से बंद। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। विधायक व मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन व राजस्थान सरकार के खिलाफ भाजपा के प्रधान व उप प्रधान को हटाने का था पूरा मामला। जी हाँ, आज संपूर्ण गोविंदगढ़ मार्केट को बंद रखा गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार एवं वर्तमान विधायक साफिया खान तथा मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुवेर खान के द्वारा गोविंदगढ़ प्रधान रसनम बाई एवं उप प्रधान कृष्णकांत जैन को पद से हटाकर लियाकत खान को प्रधान पद पर मनोनीत कर लोकतंत्र की हत्या की गई, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ विधायक व मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निर्मल प्रकाश सूरा प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी एवं प्रांतीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वोट महासभा एवं जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भरतपुर ने भाजपा नेता रामगढ़ जय आहूजा ने अवगत कराया कि मनमानी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस द्वारा प्रधान नियुक्त कर दिया गया। ये लोकतंत्र एवं जनता की आत्मा को झकझोर देने वाला निर्णय था, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस राज में यदि इस तरह जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि को हटाकर अपने चहेतों को बिठा दिया जाए तो ये कैसा उद्देश्य है? तो आने वाला विधानसभा 2023 में राजस्थान में 200 में से 2 सीटें ही नसीब होना मुश्किल हो जाएगा। गैर कानूनी तरीके से अगर कोई कार्य किया गया तो उसको चुनौती भी दी जा सकती है। दिखा करके निर्वाचित प्रधान को हटा दिया और कांग्रेस के प्रधान को बैठा दिया, ये कांग्रेस की हठधर्मिता अधिक समय तक नहीं चलने वाली। कांग्रेस सरकार अपने अंतिम चरण पर है और राजस्थान तो क्या, भारत में भी कांग्रेस सरकार को कहीं भी सीट देखने को नहीं मिलेगी। इस तरह से अपने वर्चस्व को बढ़ाना और प्रधान को बैठाना, ये जनता का कुठाराघात है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को। अगर कांग्रेस सरकार इस तरह के हथकंडे अपनाएगी तो जनता जनार्दन 2023 में सरेआम आप लोगों को अपने पुराने घर में वापस भेज देगी और दोबारा वापस आने का मौका भी नहीं देगी। राजस्थान की भूमि सनातन धर्म की भूमि है, हिंदुत्व की भूमि है। अगर यह हिंदुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह का कुठाराघात किया जाएगा। आज गोविंदगढ़ बन रहा है और गोविंदगढ़ में ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार के लिए इंतजार करने के लिए घंटे का हमें वक्त दिया, ये बहुत मैं निंदनीय मानता हूँ, निंदा करता हूँ कांग्रेस सरकार की, जो हमको एक घंटा यहाँ ज्ञापन के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन ध्यान रहे, बड़ौदा में हम ज्ञापन के लिए इंतजार नहीं करेंगे। सड़क जाम कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, अगर ज्ञापन लेने वहां पर हमारे अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे। निर्मल प्रकाश हुआ प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वोट महासभा, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।